माँ काली की कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिनमें वे शिव जी के ऊपर पांव रखी हुई हैं। आइए आज जानते हैं शिव और काली की कहानी कि माँ काली ने क्यों रखा था शिव जी के ऊपर पैर। प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते थे जिनके सामने टिकना देवताओं के लिए भी मुश्किल हो जाता था। फिर राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आतंक और भय फैलाते थे और दुनिया पर राज करने लगते थे। ऐसी ही एक घटना रक्तबीज नाम के राक्षस ने की। रक्तबीज ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और बड़ी तपस्या के बाद वरदान हासिल कर लिया। वरदान ये मिला कि उसका खून जहां भी गिरेगा उस खून की बूंद से वहां से उसी के समान राक्षस पैदा हो जाएगा। रक्तबीज को अपने इस गुण पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके भय और आतंक को देखकर देवता रक्तबीज से लड़ने के लिए आ गए, लेकिन जहां भी रक्तबीज का रक्त गिरता वहां से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए जिन्हें रोकने का कोई रास्ता देवताओं को दिखाई नहीं दे रहा था। घबराकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुंचे और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। युद्ध के दौरान अब जहां भी रक्तबीज का रक्त गिरता माँ काली उसे पी जाती। रक्तबीज का अंत माँ काली के हाथों हुआ, लेकिन इस दौरान रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ इतनी क्रोधित हो गई कि उनको शांत कराना मुश्किल हो गया। उन्होंने जाकर हर चीज को मारना काटना शुरू कर दिया। उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उनका क्रोध किसी वजह से परे, उस स्थिति के लिए जरूरी कार्रवाई से भी परे बस बरसता ही जा रहा था। उनके गुस्से ने ऐसी रफ्तार पकड़ ली थी और वह शांत नहीं हो रहा था और वह अपनी मार काट जारी रखे हुए थी। इसलिए किसी में हिम्मत नहीं थी कि जाकर उन्हें रोक सके। और सभी देवताओं ने फिर भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना की और बोले कि आप ही मां काली का क्रोध शांत करा सकते हैं, वह आपकी पत्नी है, कृपया उन्हें काबू में करने के लिए कुछ कीजिए। शिव काली के पास उसी अंदाज में पहुंचे जिस तरह से वे उनसे पति के रूप में मिलते थे। वह बिना किसी आक्रामकता के उनकी तरफ बढ़े। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए भगवान शिव काली माँ के मार्ग में लेट गए। क्रोधित माँ काली जैसे ही भगवान शिव के ऊपर पैर रखने पहुंची, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने स्वामी के ऊपर पांव रखकर घोर पाप किया है, जिससे वह शांत हुई और इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और माँ काली के गुस्से को शांत किया जो संपूर्ण सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था।